बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तमाम अहबाब को खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया, आप तमाम हज़रात तशरीफ़ लाए। रामदी साहब के भी हम मशकूर हैं। अगरचे बुज़ुर्ग कहते थे कि डॉक्टरों से दूर रहें, लेकिन एक ही साल में दोबारा से राम साहब आप इतने सारे डॉक्टरों के रूबरू तशरीफ़ ले आए हैं। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। कुछ तरीक़ाकार इस तरह से है कि आधा घंटा हम वो सवालात जो आप हज़रात की जानिब से लिखे हुए हमें मौसूल होंगे वो गांधी साहब की खिदमत में रखेंगे, और उसके बाद आप लोग बरह रास्त भी इंशाल्लाह तरतीब से यहाँ से गांधी साहब से सवाल कर सकते हैं। सवालात का मामला ये है कि चूँकि वक्त कम होता है, बहुत सारे लोग हैं, हर सवाल बहुत अहम होता है। हमारी कोशिश होगी कि हम तमाम सवालात का जवाब दे सकें, लेकिन अगर किसी सवाल का जवाब आपको नहीं मिलता तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं, गूगल पर लिखें, यूट्यूब पर गांधी सेंटर, बहुत सारे सवालात हैं जिनका गांधी साहब ने जवाब दिया हुआ है, और यहाँ हमारे इदारे के लोग भी मौजूद हैं। वो तमाम कार्ड्स मैं अपने पास रख भी लूँगा, और जैसे ही हमें मौका मिलेगा तो अपने प्लेटफॉर्म्स पे भी इंशाल्लाह तमाम सवालात के हम जवाब देंगे। आगाज़ करते हैं। लोगों से दरख्वास्त होगी कि जो आ रहे हैं, खाली जगह है वो आगे वाली पुर कर लें, ताकि पिछले वाले लोग जो हैं वो आसानी से बैठ भी सकें। आज की नशिस्त का पहला सवाल गांधी साहब की खिदमत में ये है। जब तक लोग अपने सवालात लिख के, यहाँ पर वॉलंटियर्स मौजूद हैं, आप उनके हवाले कर सकते हैं। मीनवाइल हम आगाज़ कर देते हैं। हम सब आपके इल्म में है, इस वक्त जेम्स वेब के नाम से एक टेलीस्कोप ने दुनिया भर को कायनात के उन हकायक से मुतारिफ़ कराया है जिनको देखकर अकल महव हैरत है, खिर्द और शऊर और गुमान दंग रह चुका है, शश्तर है और आंखें खीरा होती हैं कि इतनी वसीउ अरीस कायनात, इतनी बुलंदोबाला कहकशाएँ और इतने लातादाद सैारे और इतना कुछ हमारी दुनिया से बाहर भी मौजूद है। पूछना मैं आपसे चाहता हूँ, दीन के आप तालिब इल्म हैं, दुनिया और इसके हकायक और मारिफ से भी वाकिफ़ हैं, ये जो कुछ साइंस की तरक्की ने इस वक्त हमें कायनात के राजों से पर्दा उठाकर अखबार दी हैं, बतौर मुसलमान क्या हमारे लिए जो दीनी हिदायत हमारे पास मौजूद है उससे ये रिलेट करती हैं, उससे इसकी रेलेवेंस क्या है, और पूरा का पूरा जो मज़हब का मुकदमा है, ये जदीद साइंसी जो इंकशाफात हैं वो कैसे एक बंदा मोमिन को खुदा की तरफ और खुदा की स्कीम की तरफ माइल करने की एक असर पैदा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातीनो हजरात, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक मरतबा फिर इस तालिब इल्म को सुनने की ज़हमत गवारा की। ये अलग बात है कि उम्र के जिस हिस्से में मैं पहुंच चुका हूँ, और डॉक्टरों को बार बार सुनने की ज़हमत करना पड़ती है। मुझसे जो सवाल किया गया है, इसके दो पहलू हैं। एक तो हमारे लिए इम्तनान का, मसर्रत का और इजहार तशक्कुर का पहलू है कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी मखलूक बनाया है जिसको जो कुछ दिया गया उससे कहीं ज़्यादा खुद हासिल कर लेने की सलाहियत उस पर रखी गई है, और यही सलाहियत है जिसका दौरे हाजिर में, बल्कि कहना चाहिए कि पिछली 3-4 सदियों में बड़ा गैर मामूली ज़ुहूर हुआ है। ये अलग बात है कि हमारी मुसलमान कौमें चूँकि अपना अहद पूरा कर चुकी थीं और अपने ज़माने में जो कुछ साइंस की या उलूम की खिदमत मुसलमानों ने करना थी वो दौर जा चुका था, इसलिए ज़्यादातर तहकीकात मगरबी दुनिया में हुई। लेकिन ये सब इंसानियत का सरमाया है। इल्म मशरिक और मगरिब में अपने आप को तकसीम नहीं करता, इंसानियत का सफ़र है। उसमें किसी दौर में यूनान ने अपना किरदार अदा किया, फिर उन कौमों ने अपना किरदार अदा किया जिन्हें अब हम मुसलमान कौमें कहते हैं, और अब जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि पिछले 300-400 साल से, जब से ख़ुद मगरबी दुनिया में रिफॉर्मेशन हुई, एक बड़ा इनकलाब हुआ, रिनेसेंस हुआ, उलूम ज़िंदा हुए, तो पै दर पै वो चीज़ें सामने आई हैं
जिन्होंने फिलवाके वही सूरत पैदा कर दी है कि महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो इसका एक पहलू तो ये है, इंसानियत की हर कामयाबी पर इंसान को अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और हर कामयाबी को अगली जद्दोजहद के लिए एक संगे मील भी समझना चाहिए। इंसान को अल्लाह ताला ने जस्तजू करने, तलाश करने के जो दायियात दिए हैं वो बड़े गैर मामूली हैं और दुनिया के हर इल्म में इस पिछले 200-300 साल के अरसे में बड़ी कामयाबियां इंसान ने हासिल की हैं। इस कायनात को अगर देखिए तो उसके लिहाज से तो ये अभी शुरुआत है, नहीं कहा जा सकता कि आने वाले ज़मानों में इसके क्या क्या राज सामने आएंगे और क्या क्या हकायक खुलेंगे। तो इंसानी जाविये से ये एक बड़ी काबिल मुबारकबाद चीज़ है और मैंने जैसे कि अर्ज़ किया, इस तरह की चीज़ों को इंसानियत का फ़ख्र समझना चाहिए और एक मुसलमान की हैसियत से इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इल्म को मशरिक मगरिब में तकसीम करके उसको तासुब की निगाह से देखने की कोई गुंजाइश नहीं। दूसरा पहलू ये है कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास अल्लाह की किताब है। ये सब चीज़ें जिनको इंसान दरियाफ्त करता है, जिन पर तहकीक करता है, ये अल्लाह की किताब का मौजू नहीं है। कुरान मजीद ना तारीख़ की किताब है, ना साइंस की किताब है, वो अल्लाह ताला की हिदायत की किताब है। उसका बुनियादी मौजू ये है कि ये दुनिया जिसमें तुम्हें भेजा गया है ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी और जब ये ख़त्म होगी तो तुम्हें अपने आमालनामे का जवाब देने के लिए खड़ा किया जाएगा और उसके बाद तुम्हारी असल ज़िंदगी शुरू होगी। वो असल ज़िंदगी कुरान का मौजू है, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम उसी असल ज़िंदगी के बारे में इंसान को ख़बरदार करते हैं। यही वजह है कि अंबिया अलैहिस्सलाम को नज़ीर और बशीर कहा जाता है। कुरान मजीद ने जहाँ ये बताया है कि पैगंबर क्यों भेजे गए, वहाँ पैगंबरों का मिशन ये बयान फरमा दिया है कि मुबशरीन व मुनज़रीन, वो आने वाली दुनिया के बारे में ख़बरदार करते हैं और वहाँ कामयाबी की बशारत देते हैं। तो असल मौजू जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया वो तो आने वाली दुनिया है, उसकी तैयारी है, उसमें कामयाबी किस तरह होगी, उसका मेयार क्या है। लेकिन उसके साथ जब अल्लाह ताला किसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं और उसमें इस्तदलाल कर रहे होते हैं, यानी दलील दे रहे होते हैं, तो बाज़ मौक़ों पर इस कायनात के बारे में, इसकी पदा के बारे में, इसके मुंतहा के बारे में भी बड़ी गैर मामूली बातें कह देते हैं। वो अगरचे इस उसलूब में कही जाती हैं कि लोगों के लिए कोई मुअम्मा ना बन जाए, उसको उस ज़माने के लोग जब कुरान नाजिल हुआ वो भी एक दायरे में समझ लें और जैसे जैसे दुनिया में इंसान का इल्म बढ़े तो उसके वो पहलू भी नुमाया होते चले जाएं जो अल्लाह ताला ने उनमें मुजमर कर दिए। तो इस लिहाज से जब मैं कुरान मजीद की मुराजत करता हूँ तो ये साफ़ मालूम होता है कि हमारे पास इससे ज़्यादा मालूमात हैं जो अभी हासिल हो गई। मिसाल के तौर पर कदीम इल्म को इस बात पर इसरार था कि कायनात अज़ल से है, हमेशा से ऐसे ही है। इसको हमारा कदीम यूनानी फ़लसफ़ा इस तरह ताबीर करता था कि कायनात कदीम है, यानी उसकी कोई इब्तिदा नहीं है, बस जब से है है। कुरान मजीद ने इसकी तरदीद की और ये बताया कि इस तरह नहीं है, ये कायनात मुख्तलिफ अदवार से गुज़र कर बनी है और ये अदवार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि छः अदवार हैं और उन छः अदवार में हो सकता है कि हज़ारों अरबों साल सरफ हुए हों, ये फ़ी सित्तत अय्याम बनी है। तो इस गलतफहमी को कुरान ने दूर किया और फिर बताया कि कहीं अय्याम के लफ्ज़ से अपने 24 घंटे न समझ लेना, ये अल्लाह ताला के अय्याम हैं।
तो एक तो जो कदीम तसव्वुर था उसकी कुरान मजीद ने बड़ी शिद्दत के साथ नफ़ी की और इस तरह बता दिया कि इसकी एक इब्तिदा है, और इब्तिदा भी ऐसे नहीं है कि एक दिन ये सारी की सारी बनकर उस्तवार हो गई। इसको मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा गया है और वो मराहिल ऐसे गैर मामूली मराहिल हैं कि उनमें एक के बाद दूसरी चीज़ वजूद पजीर हुई, फिर उसकी तफसील भी की गई। चुनाचे सूरह सजदा में ये तफसील बताई गई कि चार दिन लगे या चार अदवार गुज़रे जो अल्लाह के दिन हैं और अल्लाह के कायम करदा अदवार हैं, जिसमें ये कायनात इस काबिल हुई कि इसमें ज़मीन जैसा एक सैयारा ज़िंदगी के स्कीम को कबूल कर सके। और फिर बताया कि उन छः दिनों में से वो दो दिन थे जिनमें फिर ज़मीन इस काबिल हो गई कि उसमें ज़िंदगी की इब्तिदा की जा सके। इसी तरह से ये बात भी बता दी गई कि इसकी वसअत क्या है, यानी ये कितनी बड़ी कायनात है, उसका तसव्वुर दिलाया गया। और ये बात वाज़े की गई कि ये जो तुम्हें आँखों से दुनिया नज़र आती है, हद नज़र तक जो तुम देखते हो, ज़ाहिर है कि ये दूरबीनें जब ईजाद नहीं हुई थी उस वक्त भी इंसान सहरा में खड़ा हो के देखता था तो इस ज़मीन की और इस कायनात की वसअतें तो बेपनाह उस वक्त भी नज़र आती थी। ये तसव्वुर नहीं था उस वक्त कि नूरी सालों के फासले हैं और अरबों कहकशाने हैं और कितने नबुलाज हैं और उनके अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या दुनियाएं रखी हैं, लेकिन बहरहाल बड़ी वसअत के साथ दुनिया नज़र आती थी। तो ये फरमाया कि ये जो कुछ तुम्हें नज़र आता है, जिसको तुम अपनी कायनात कह सकते हो, ये एक है। तुम्हारी ये कायनात असमाउ दुनिया है, करीब की कायनात है, पै दर पै इसके बाद छः और भी हैं। और मज़ीद ये बता दिया गया कि जिस तरह तुम्हारी इस कायनात में हमने एक सैयारे का इंतखाब किया जिसमें ज़िंदगी पैदा की है, उन बाकी छः में भी इसी तरह एक एक सैयारे का इंतखाब करके वहाँ ज़िंदगी पैदा की है। तो ये तमाम बातें जितनी हैं ये कुरान मजीद में बयान हुई हैं और किसी तावील की मोहताज नहीं है, बिल्कुल सरी इसी तरह के लफ्ज़ों में बयान हुई हैं। इसके बाद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान का ये बयान सुना कि जो आगे जन्नत बनने वाली है वो कितनी बड़ी होगी, तो कुरान ने उसके बारे में ये कहा था कि अर्ज़ोहा का अर्ज़ समावात वल अर्ज़, यानी ये सातों कायनातें मिलकर जितना रकबा रखती हैं वो उस जन्नत की लंबाई चौड़ाई है। पूरी की पूरी कायनात ये भी जिसमें हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं या जिसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके अलावा बाकी छः भी, तो कुरान ने ये कहा कि ये सब मिलके। और ये बताया कि जब हम इस दुनिया को इस मौजूदा सूरत से ख़त्म करेंगे तो ऐसा नहीं कि ये फना हो जाएगी, इसका मौजूदा नज़्म ख़त्म कर देंगे और यौमा तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ वस्समावात, ये सारा जितना मवाद पड़ा हुआ है, मादा बिखरा हुआ है, इसको हम जमा करके एक नई शक्ल दे देंगे और वो कायनात होगी जिसमें तुमको आबाद करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लम से जब ये पूछा गया कि उसमें एक बंदा मोमिन को जब वो जन्नत में जाएगा तो कितनी बड़ी जगह मिलेगी, तो जैसे अब हम मजबूर हो गए हैं कि हमारे साल और हमारे महीने उनसे कायनात की पैमाइश नहीं हो सकती, तो नूरी साल हमने रोशनी की रफ़्तार से ईजाद कर लिया है, उस ज़माने में ज़ाहिर है इस तरह का कोई तसव्वुर नहीं था। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि बस ऐसे समझ लो कि अगर तुम 1000 साल तक चलते रहो तो तब भी जो जन्नत तुम्हें दी जाएगी एक शख्स को, तुम उसको पार नहीं कर सकोगे। तो इस तरीके से जो जन्नत की तस्वीर बताई गई, कायनात के बारे में जो मालूमात दी गई, दूसरी जगहों पर ज़िंदगी के बारे में जो कुछ बताया गया, ये कोई बताना मकसूद नहीं था, कुरान मजीद का ये मौजू नहीं है, लेकिन दलील देते वक्त, इस्तदलाल करते वक्त, रीज़निंग के वक्त अल्लाह ताला ने जब अपनी कुदरत का बयान किया है तो ये मालूमात भी दे दी हैं। तो इसलिए जो मालूमात हमको अल्लाह की किताब से हासिल हैं
अभी साइंस को वहाँ तक पहुँचने में बहुत सफ़र करना है। बहुत ही तफसील से गाम साहब से हमने समझा कि ये जो कुछ आज के दौर में डेवलपमेंट हो रही है, ख़ुद अल्लाह ताला की जो किताब हमारे पास मौजूद है वो हमें क्या दास्तान सुनाती है उस अनदेखी कायनात के बारे में। आगे बढ़ाते हैं सिलसिला गुफ्तगू को। हम सब ये बताइएगा, आपने ख़ुद भी नोटिस किया होगा, पाकिस्तान में आपका बड़ा लंबा अरसा गुजरा, 60 साल के करीब शऊर की ज़िंदगी है। गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने देखा कि हमारी कौम में जो बर्दाश्त है वो बहुत कम हो गई है, मुकालमे की फ़िज़ा मफकूद हो गई है, और हर मैदान में, मज़हब का मैदान हो, सियासत का मैदान हो, या यहाँ तक के जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पर भी हमें ये नज़र आता है कि लोग गुफ्तगू करना, अपना नुक्ता नज़र रखना, दूसरे की बात को एतमाद के साथ, इत्मीनान के साथ, हम्बलनेस के साथ सुनना, इसका बड़ा फ़ुकदान हुआ। और बिलखुसूस वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर आबाद हैं, और ज़ाहरी बात है पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं वो बाहर रहते हुए लोगों को दरपेश नहीं होते, उसके बावजूद हमने देखा कि वहाँ पर भी अपनी मज़हबी, अपनी सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर नफ़रत बढ़ गई, एक ही ख़ानदान के लोग हैं, गुफ्तगू नहीं कर रहे। क्या आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये पिछले कुछ अरसे में ऐसा मामला बढ़ा है, और इसका हल क्या है कि कैसे हम अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त और मुकालमे की फ़िज़ा को पैदा कर सकते हैं? किसी सोसाइटी या माशरे में जो अकदार पैदा होती हैं और फिर उन अकदार या वैल्यूज़ को आप समाजी अखलाकियात में तब्दील कर देते हैं, उनमें बड़ा गैर मामूली किरदार कौमों की या माशरे की या सोसाइटी की क़्यादत अदा करती है। अगर आप मुसलमान माशरे को देखें तो उसकी क़्यादत या मज़हबी उलमा कर रहे होते हैं, या बड़े दानश्वर जैसे फ़लसफ़ी हुकमा असातज़ा कर रहे होते हैं, या सियासी ज़ोमा कर रहे होते हैं। आप एक निगाह डाल कर देखें तो हमारे यहाँ लोगों में तो बहुत बर्दाश्त है, इस क़्यादत में बर्दाश्त नहीं है। यानी ना उलमा में है, ना दानश्वरों में है, ना सियासी ज़ोमा में है। मैं हरगिज़ कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक वाक़या है कि आप किसी मज़हबी मामले पर गुफ्तगू करना चाहें, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो शराफ़त के साथ, तहज़ीब के साथ, एक दूसरे का लिहाज करके, उसका एहतराम करके की जा सके। हर शख्स अपनी बात मनवा लेना चाहता है, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि एक मामले में दो तीन चार जाविया है नज़र भी हो सकते हैं। और ये अल्लाह ताला ने इंसान में तनव्वो रखा है कि वो बाज़ औक़ात एक जाविया नज़र को तरजीह देता है, बाज़ औक़ात दूसरे को तरजीह देता है। ये दुनिया इसी तनव्वो पर कायम है, और अल्लाह ताला के यहाँ कमाल बर्दाश्त है। उसने अपना आखिरी पैगंबर भेज दिया है, इस वक्त भी दुनिया में 6-7 अरब लोग उसके पैगंबर को नहीं मानते, वो इत्मीनान से अर्श पर बैठा हुआ है। उसने किसी अदम बर्दाश्त का इजहार नहीं किया, लेकिन उसकी ज़मीन पर उसके मानने वालों में ये बर्दाश्त बाकी लोगों के मुकाबले में, तो खैर क्या कहिए, अपने लोगों के मुकाबले में भी नहीं पाई जाती। उसका जो नतीजा है वो ये है कि हमारे यहाँ इल्म और तहकीक ये मज़बियात में एक अजनबी बात हो के रह गई है। इल्म और तहकीक से ये ख्याल ना कीजिएगा कि हम कोई नया मज़हब ईजाद कर लेंगे। मज़हब तो अल्लाह का दिया हुआ है, और अल्लाह की किताब और उसके पैगंबर की सुन्नत के ज़रिए से हमें मिला है। मज़हबी फ़िक्र, जिसको इकबाल कहते हैं ना, रिलीजियस थाट, तो वो तो इंसानी चीज़ होती है। यानी मज़हब को समझने से मज़हबी फ़िक्र वजूद में आता है। उसमें ज़ाहिर है कि एक ज़ाविया नज़र हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। इसको हमारा मज़हबी ज़ेहन कबूल नहीं करता, तो नतीजा ये है कि लोग अपने अपने फ़िरके में बंद होकर दीन से मुतल्लक होते हैं। यानी वो आफाकी सतह पर अपने दीन का मुताला करने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसलिए कि जो लोग उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, मज़हबी उलमा हैं, वो उस दायरे से उनको निकलने नहीं देते। उनकी तकरीरें, उनकी तहरीरें, उनकी गुफ्तगुएं इसी महवर पर होती हैं कि तुम जिस फिरके या जिस जमात या जिस तंजीम या जिस गिरोह में पैदा हो गए हो, बस इससे बाहर तुमने झांकने की जहमत गवारा की,
तो यूँ समझो कि कहीं आसमान से कोई आके उठा ले जाएगा तुम्हें। यही मामला हमारे अहले दानिश का है। यानी मुझे हैरत होती है, अब चूँकि दुनिया में बहुत इब्लाग के नए ज़राए पैदा हो गए हैं, कि हमारी यूनिवर्सिटियों के असातज़ा हैं, फ़लसफ़ा पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। मैं ख़ुद तालिब इल्म रहा हूँ, मैं हैरान होता हूँ जब उनको मैं अब ये जदीद ज़राए से गुफ्तगू करते हुए देखता हूँ। यानी उनकी गुफ्तगू में किसी आलिम का वक़ार नहीं होता, असातज़ा हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, और उन उलूम के पढ़ाने वाले हैं। मिसाल के तौर पर फ़लसफ़े की तारीफ ही ये की जाती है कि वो हिकमत की तलब पैदा करता है आदमी के अंदर, सवाल उठाना सिखाता है उसको। इससे दिलचस्पी नहीं होती कि जवाब क्या है, सही सवाल क्या है, लेकिन वो किसी सवाल का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। और जो उन्होंने तसव्वुरात कायम कर लिए होते हैं, ये लगता है कि वो उसको मुखातब के ज़हन में ठूंस देना चाहते हैं। तो कमोबेश आप हर जगह ये सूरतेहाल देखते हैं। मेरा ये मतलब नहीं है कि इसमें मुस्तस्नियात नहीं होते, अच्छे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन जो चीज़ बैसियत मजमूई हो रही होती है वो कौम पर असरअंदाज होती है। चुनाचे आप किसी मौके के ऊपर लोगों को बिठा दीजिए और उनसे कहिए कि वो किसी मौजू पर गुफ्तगू करें, तो सिर्फ मज़हबी लोग ही नहीं बल्कि दूसरे उलूम व फ़नून के माहरीन भी हमारे यहाँ अपनी ये तरबियत नहीं कर सके कि सही जगह से बात करें, दूसरे को उसकी जगह देकर बात करें, दूसरे के लिए कोई स्पेस छोड़ दें जिसमें वो अपनी बात कह सके या उसका जवाब दे सके। अगर कोई जवाब देना चाहता है तो हौसले से थोड़ी देर के लिए सुन लें उसका जवाब। यानी वो कर क्या रहे होते हैं कि जब कोई बात कर रहा होता है तो उसकी बात नहीं सुन रहे होते, उसका जवाब सोच रहे होते हैं, तो नतीजे के तौर पर वो उनके सर के ऊपर से गुजर जाती है। और उसके बाद सवाए इसके कि एक बुरे मुबाहसे की सूरत पैदा हो जाए और कुछ नहीं होता। यही मामला सियासत में है। यानी सियासत में भी बदकिस्मती से ये कल्चर पैदा हो गया है कि ये सिर्फ बहतान तराजी का नाम है, इसमें जो आपके मुंह में आए आप कह दें। ये इस चीज़ का नाम है कि लोगों के अंदर एक रुमान पैदा करके उनका इस्तेहसाल किया जाए। ये चीज़ों को समझने, सियासी मामलात को सियासत के बिसात पर रख के देखने का नाम नहीं है, बल्कि ये उसी मार्के का नाम है जो सैयदना अली और मुआविया की जंग से पैदा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में दो बड़े गिरोहों की सूरत इख्तियार करके अब भी अपना मातम खुद करता रहता है। तो ये हमारे यहाँ सियासत की सूरत हाल है। ये जब तक है ऐसे ही रहेगी। इसका इलाज यही है कि सबसे बढ़कर आम लोग नहीं बल्कि लीडरशिप में जो लोग आ रहे हैं, और ज़ाहिर है ये लीडरशिप जो इस वक्त है इसको जाना है, इसकी जगह नए नौजवानों को आना है, उनकी तरबियत की जाए और उन्हें बताया जाए कि दुनिया में जीने के सलीके क्या हैं, इल्मी मिजाज क्या होता है, तहकीक के क्या आदाब हैं। तनकीद कोई बुरी चीज़ नहीं होती जब एक दूसरे पर की जाती है, तनकीद इल्म के आगे बढ़ने का ज़रिया है। अलबत्ता तनकीस, इस्तेहज़ा, इस्तिख़फ़ाफ़, किसी का मजाक उड़ाना, किसी पर फब्ती कसना, ये बुरी चीज़ें हैं। और हमारे दीन में आप बावर करें कि एक एक चीज़ को मौजू बनाया गया है। मैंने इस दौरान में बारह लोगों को तवज्जो दिलाई, इसलिए कि ये हर दिन जब आप अखबार खोलें या आप मीडिया की तरफ रजू करें तो यही कुछ सुनते हैं। तो बारह लोगों को तवज्जो दिलाई कि अपने घर में जाइए और जाकर ज़रा कुरान की एक बड़ी छोटी सी सूरा है, सूरा हुजरात, उसका मुताला करके देखिए उसमें क्या आदाब बताए गए। यानी इब्तिदा से इंतहा तक पूरी सूरा सिर्फ ये बताती है कि मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात के क्या आदाब हैं। यानी उन्हें बात कैसे करनी है, उन्हें बुराई को कैसे बयान करना है, उन्हें गुमान कैसे करना है, उन्हें दूसरों के बारे में कमेंट या तबसरा कैसे करना है, एक एक चीज़ को अल्लाह ताला ने मौजू बनाया है। और ये बताया है कि तुम अगर इन आदाब की खिलाफवर्दी करते हो तो तुम्हारी जमीयत पारा पारा हो जाएगी, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारे अंदर वो आला अखलाकियात नशो नुमा नहीं पा सकेंगी जिनकी बुनियाद पर अल्लाह ताला के हाँ तुम्हारे मरातिब तय होने हैं। लेकिन कौन सुनता है फ़ुगाने दरवेश। आगे बढ़ाते हैं हम सब इस सिलसिले को। बेतहाशा सवालात मौसूल हो चुके हैं और हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों के बरह रास्त सवालात पे आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा मुआमदी साहब से जवाब लें। वक्त मुख्तसर है, मुख्तसर वक्त में ज़ाहरी बात है
पूरे पस मंज़र के साथ बात नहीं की जाती। बहुत सारे मौजूद इनमें से ज़ेरे बहस आएंगे जिन पर तफसीली गामदी साहब ने अपना इस्तदलाल वाज़े किया है। गाम साहब, ये सवाल मेरे सामने है, पूछते हैं, अल्लाह ताला ने बंदों का इम्तिहान क्यों लिया? क्या उसे पता नहीं होता कि कौन इम्तिहान में कामयाब होगा, खुसूसन उसके पैगंबर मसलन इब्राहिम अलैहिस्सलाम या बाज़ ऐसे बड़े लोग जैसे इमाम हुसैन? जब अल्लाह को पता था ये तो इतने साबिर और शाकिर हैं, तो फिर इनका इम्तिहान क्यों लिया? इम्तिहान में तफरीक कैसे की जा सकती है? या तो लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। अगर लिया जाएगा तो फिर हर एक का ही होगा। जो लोग वहाँ पर बड़ा मर्तबा हासिल करेंगे, कोई दूसरा आदमी खड़े होकर कह सकता है कि मुझे ये मौका दिया जाता तो मैं भी ये कारनामा दिखा देता। और जिनको किसी उनके जुर्म की सज़ा मिलेगी, अगर उनको इम्तिहान का मौका ना दिया जाता तो वो भी कह सकते थे कि परवरदिगार, हमें तो मौका ही नहीं मिला, आपने खुद ही फैसला कर दिया। तो इसलिए इम्तिहान के बारे में तो ये सवाल नहीं पैदा होता। यानी ये आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला कोई ऐसी मखलूक पैदा कर देते हमारी जगह जिसका इम्तिहान ना लेते। तो ये एक ऐसी आरज़ू है कि जो हर तालिबे इल्म के ज़हन में होती है। लेकिन इम्तिहान के बग़ैर ना डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर, ना आप उठते हैं, ना मैं। दुनिया का निज़ाम ही ऐसा बना है। तो इसलिए इम्तिहान तो होना था, वो हो रहा है। जब होना है तो फिर उसको हर लिहाज से होना चाहिए, इल्म का भी होना चाहिए, अमल का भी होना चाहिए। फिर उसमें कोई इस्तिस्ना नहीं हो सकता, कोई चीज़ एग्जेम्प्ट नहीं की जा सकती। ऐसा किया जाएगा तो नाइंसाफ़ी होगी। तो इसमें अब पीर, पैगंबर, आमी, आरिफ सब इस इम्तिहान से गुज़र रहे हैं, और हर एक के लिए इम्तिहान का पर्चा बिल्कुल अलग अलग है। दो को इकट्ठा बिठा के भी एक पर्चा नहीं दिया गया, बल्कि हर शख्स अपनी सलाहियत, अपने माहौल, अपनी पैदाइश, अपने हालात के लिहाज से इस इम्तिहान से गुज़र रहा है। पैगंबर भी गुज़रे हैं, हम आमी भी गुज़र रहे हैं, ताकि खुदा के मुकाबले में कल कोई खड़ा हो के ये ना कह सके कि आप फैसला सुना रहे हैं तो मुझे इसका मौका नहीं मिला। कुरान मजीद में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि वो लोग के जिनको हम एक ख़ास उम्र तक दुनिया में रहने का मौका नहीं देते, उनसे बड़ी उम्र वालों का इम्तिहान भी नहीं देते। यानी हर हर चीज़ का लिहाज रखा गया है इस इम्तिहान में। तो इसलिए इसके बारे में तो ये सवाल नहीं होता। बाकी वही जो तालिबे इल्म चाहते हैं कि बग़ैर इम्तिहान के पास कर दिए जाएं, कभी कभी मैं भी महसूस करता हूं कि उन्हीं में से हूं, तो दिल चाहता है कि फिर वहां कामयाब हो के अल्लाह ताला से पूछेंगे कि आप ना ही लेते तो अच्छा था। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। हमसे पूछती हैं कि मैं तफसीर की तालिबा हूँ, मुझे ये जानना था कि सैयदना मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम अगर रसूल बनाकर भेजे गए थे तो उनके मुनकरों पर अल्लाह ताला का आज़ाब क्यों नहीं आया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकरों पर आया था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकरों के बारे में अज़ाब का ऐलान किया गया था, उसकी एक किस्त कुरैश की क़यादत को तो वसूल हो गई मैदान बदर में, लेकिन बाकी कौम ईमान ले आई। रसूलुल्लाह की पूरी कौम जो आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है 9 हिजरी में 10 ज़ुलहज के दिन सूरह तौबा में उसका ऐलान किया गया और कहा गया कि फैज़िन सलखल अशरुल हुरम, ये इस वक्त हराम महीने हैं, ये ज़ुलहज के 20 दिन हैं और आगे मुहर्रम का एक महीना है, जिस दिन ये गुज़र जाएंगे उसके बाद अज़ाब का ताजियाना बरसा दिया जाएगा। तो पूरी कौम रसूलुल्लाह सल्लम की उस 50 दिन में ईमान ले आई। उसी को कुरान मजीद ने बयान किया है कि जब ये वक्त आएगा तो आप देख लेंगे कि यदखुलून फ़ी दीनिल्लाह अफवाजा, लोग फ़ौज दर फ़ौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। तो इस वजह से बस अज़ाब की पहली किस्ती आई और वो कुरैश की क़्यादत पर आई। सारी क़्यादत मैदान बदर में एक से लेकर आखिरी तक ख़त्म हो गई, और उसके बाद आम लोगों को कुछ मज़ीद मोहलत दी गई और वो ईमान ले आए। सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की कौम पर भी बड़ा शदीद अज़ाब आया। ख़ुद उन्होंने, जैसे कि मत्ता की इंजील में है 19वें बाब में ये बताया है कि ये जो इस वक्त मेरे सामने लोग खड़े हैं, एक नौजवान खड़ा था सामने कोई 21-22 साल का, ये बुढ़ापे की उम्र को नहीं पहुंचेगा कि ख़ात्मा हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ। सन 70 ईस्वी में रूमी हमलावर हुए और फिर जो कुछ हुआ
वो आप चाहें तो उसकी तफसील पढ़ लें। उस अज़ाब से तो आदमी की रूह कांप उठती है, जितना वो शदीद था। उसी का ज़िक्र किया है सूरह बनी इसराइल में कि कोई कौम ऐसी नहीं थी कि जो उस वक्त ईमान वाली होती और इनके ऊपर अज़ाब का ताजियाना बरसाती, तो मैं वहाँ से यहाँ से अपने बंदे उठा के ले आया, इबादल ली उली बासिन शदीद, और मैंने उनको इनके लिए अज़ाब का ताजियाना बना दिया, इसलिए कि मुकम्मल ख़त्म करना ये मेरे कानून के मुताबिक नहीं था। तो अज़ाब आया 70 ईस्वी में आया। आगे बढ़ाते हैं हम सब। ये सवाल है कि हमारा अकीदा है कि हर चीज़ अल्लाह ताला की कुदरत में है और कोई पत्ता भी उसके हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता, इस पस मंज़र में ये सारे सवाल और जवाब हमें बेमानी नज़र आते हैं। ये कुरान मजीद के बारे में अजीब बात है कि लोग कभी नहीं देखते कि जिस जगह को वो पढ़ रहे हैं वो कहाँ है, उसमें क्या बात कही गई है। अब मिसाल के तौर पर ये आपने क्या पढ़ा है कि जिसकी के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये किस जगह है कुरान मजीद में? कुरान के अल्फाज हैं, मा तस्कुत मिन बरकतिन इल्ला यालमुहा, एक पत्ता भी जो गिरता है मेरे इल्म में होता है। ये हैं कुरान मजीद के अल्फाज। बाकी पत्तों के हिलने के लिए भी एक कानून है, वो उसके मुताबिक हिलते भी हैं और गिरते भी हैं और दोबारा भी आते रहते हैं, और इंसानों के हिलने के भी कुछ कवानीन हैं। आगे बढ़ाते हैं जी सिलसिले को। ये सवाल है जी कि अल्लाह ताला इतने गफूर और रहीम हैं तो फिर सिर्फ़ शिर्क जैसे गुनाह की वजह से वो इतनी सख्त सज़ा की वईद क्यों सुनाते हैं? ये अल्लाह ताला की सिफात का इल्म आपको कहाँ से हुआ कि अल्लाह ताला गफूर और रहीम है? कुरान मजीद ही अल्लाह की सिफात बयान करेगा ना, तो उसमें तो गफूर और रहीम भी हैं और भी बहुत कुछ है। उसमें तो ये भी है कि उसका गज़ब बेपनाह है, वो इस पूरी कायनात पर काहिर है, वो मुतकब्बिर है, उसके सामने कोई चीज़ भी ठहर नहीं सकती है। उसके साथ अगर कोई इस्तकबार का रवैया इख्तियार करे तो ऊँट सुई के नाके में से गुज़र सकता है, वो उसकी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो कुरान मजीद में तो सिर्फ़ गफूर रहीम का ज़िक्र नहीं, और भी बहुत कुछ है। अल्लाह ताला जैसा है वैसे ही उसको मानना चाहिए और इससे अंदेशा करना चाहिए। अगर सिर्फ गफूर रहीम होता तो फिर तो क़्यामत में हमारे सारे ही मुकदमे रिश्वत की नज़र हो जाते। यानी बड़े से बड़ा ज़ालिम, लाखों करोड़ों इंसानों को मारने वाले, बच्चियों को रेप करने वाले, अपनी हवस का निशाना बनाने वाले, कौमों को लूट लेने वाले, दुनिया को आलमी जंगों में मुब्तला करने वाले, सब कहते हैं गफूर रहीम। तो ऐसा नहीं है, वो अपने बंदों के लिए गफूर रहीम है लेकिन मुजरमों के लिए बहुत काहिर और बहुत गज़बनाक। तो दोनों पहलुओं को सामने रख के अपने परवरदिगार को समझें। परवरदिगार को दोनों पहलुओं से नहीं समझेंगे तो बड़ी गलतफहमियों में पड़ जाएंगे। आगे बढ़ाते हैं हम सब इस सिलसिले को। सवाल पूछते हैं कि मौजूदा दौर में 5 नमाज़ें पढ़ना मुश्किल होती हैं। मैंने नमाज का तरीका समझने के लिए किसी ने पूछा तो उसने बताया इशा की 17 रकातें होती। आपने सवाल इसलिए किया कि मैं 2-4 का इजाफा कर दूँ? देखिए, नमाज के बारे में पहले जान लीजिए कि ये परवरदिगार के हुजूर में हाज़िरी है। दुनिया में जो कुछ भी अख़लाक़ी चीज़ें वजूद में आती हैं वो ताल्लुकात से वजूद में आती हैं। मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा वतन है, मेरे आइज़ा हैं, मेरे अकरबा हैं, मेरा ख़ानदान है, ये सारे रिश्ते हैं जिनका हम हक अदा करते हैं, तो आला अखलाकी अकदार के हामिल समझे जाते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा रिश्ता हमारे परवरदिगार के साथ है। आपकी माँ, आपका बाप आपसे कहे कि आप चंद मिनट के लिए मेरे पास बैठेंगे, क्या फिलवाके ये ऐसा बार है कि इंसान को जवाब दे देना चाहिए? अल्लाह ताला ने 5 मरतबा हाज़िरी के लिए कहा है और फरमाया है कि इसका मकसद ये है कि अकीम सलात अल ज़िक्री, तुम अपनी दुनिया की मशगूलियतों में मुझे भूल जाते हो, तो जब दिन की इब्तिदा करते हो तो याद करके करो, दिन ढलता है तो मुझे याद करो, और सूरज निचड़ता है तो मुझे याद करो, और शाम पड़ती है तो मुझे याद करो, और रात आती है तो मुझे याद करो। तो ये अकीम सलात अल ज़िक्री है,
इसके लिए बड़ा थोड़ा सा लाजमी कायदा मुकरर किया गया है, यानी दो रकतें फजर की, चार रकतें जोहर की, चार असर की, तीन मगरिब की और चार इशा की, ये लाजमी नमाज है। यानी यूँ समझिए कि लाजमी हाज़िरी है, ये हाज़िरी हर हाल में होनी चाहिए, बंदा अपने सब काम छोड़कर इसके लिए हाज़िर हो जाए। फिर चूँकि दुनिया की ज़िंदगी ऐसी है कि इसमें मशगूलियतें होती हैं, कहीं कोई सफ़र में है, कोई जंग में है, कोई डॉक्टर है, कहीं कोई ऑपरेशन कर रहा है और इस तरह के मशागिल, तो इनमें फिर बहुत सी रियायतें दी गई हैं हाज़िरी के मामले में। मसलन ये बता दिया गया है कि अगर कोई गैर मामूली मशगूलियत इस तरह की है जिससे निकलने में दिक्कत होती है, तो तुम दो दो नमाज़ें मिला सकते हो, यानी जोहर और असर को मिला के पढ़ सकते हो, जोहर के वक्त में भी पढ़ सकते हो, असर के वक्त में भी पढ़ सकते हो, मगरिब और इशा को मिला के पढ़ सकते हो। तो इस तरह कोई आपा धापी है, अफरा तफरी है, कोई सफ़र है, कोई ऐसी मशगूलियत है, तो ये तीन रह जाएंगी, यानी तीन वक्त रह जाएंगे, मिला के पढ़ ली जाएगी। उसके बाद मज़ीद आगे बताया है कि अगर इससे भी आगे कोई मामला हो गया है, उतरना मुमकिन नहीं है, खड़ा होना मुमकिन नहीं है, मस्जिद जाना मुमकिन नहीं है, मुसल्ला मुमकिन नहीं है हासिल करना, तो फिर इजालन और रुकमाना चलते हुए पढ़ लो, बैठे हुए पढ़ लो, सवारी पर बैठे हुए पढ़ लो। तो ये हाज़िरी है, ये दीन में कानून बताया गया है नमाज का। तो ये आपके लिए अगर मुश्किल हो रही है तो इसमें कोई आसानी पैदा करने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। बाकी रह गई ये बात कि आप अपनी तरफ से, यानी ये तो लाजमी हाज़िरी है, अपनी तरफ से अपने परवरदिगार के सामने सजदा रेज होते हैं, उसको हमारे यहाँ नफल कहा जाता है। वो आप पर है, जितने चाहे पढ़ें, आप 17 छोड़ 1700 पढ़ लें, उसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन वो लाजिम नहीं किए गए। लाजमी नमाज जिसको आप फ़र्ज़ कहते हैं वो इतनी है, बाकी नफल है। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने अपनी तरफ से, यानी फ़र्ज़ करार दे के नहीं, अपनी तरफ से जो नफल पढ़े, जैसे कि हम सब पढ़ते हैं, अल्लाह तौफीक दे, उनको सुन्नत कहा जाता है, वो नफल नमाज है। तो उस सब को मिला जुला के लोगों ने 17 रकतें बना ली हुई हैं, वरना नमाज इशा की 4 रकतें हैं। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 6 से ज़्यादा रकतें नहीं पढ़ी। हमसे जो वितर की नमाज़ कहा जाता है और नमाज इशा के साथ पढ़ी जाती है, इसकी फिर क्या हकीकत है? ये तहज्जुद की नमाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नमाज़ तहज्जुद के वक्त पढ़ते थे। तहज्जुद की नमाज़ कम से कम 3 रकत है, ज़्यादा से ज़्यादा जो रसूलुल्लाह ने पढ़ी वो 11 रकतें हैं, बाद रवायतों में 13 का भी ज़िक्र आता है। तहज्जुद की नमाज़ लाजिम नहीं है, वो नफल नमाज है, हुजूर पर लाजिम थी। जो पैगंबर हमारे लिए दीन लाया था उसने हमें 5 नमाज़ों का पाबंद किया, उसके लिए 6 नमाज़ें थी। तो ये रसूलुल्लाह की नमाज है। लोग अपने शौक़ से पढ़ने लग गए तो उन्होंने हुजूर से कहा कि हम में से बाज़ लोगों के लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या हम इशा के बाद पढ़ सकते हैं तहज्जुद की नमाज़? तो आपने उसकी इजाज़त दे दी। उसके बाद से मुसलमान ये 3 रकतें तहज्जुद की रकतें इशा के बाद पढ़ते हैं, इनको वितर कहा जाता है। आगे बढ़ाते सिलसिले को। हम सब, ये सवाल है, मौजूदा दौर में हम ये देख रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान में जो सूरत हाल है मुसलमानों के साथ, पूछते हैं कि हिंदुस्तान में जो इंतहा पसंद मुसलमानों के साथ जुल्म ढा रहे हैं, इसमें क्या पाकिस्तानियों की ये इखलाकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती, खुसूसन बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी तंजीमों की, कि वो अपने तमाम हिंदुओं का बाइकआउट कर दें? तो हिंदू आपका बाइकआउट कर देंगे। ये जो बाइकआउट, एहतजाज और इस तरह की चीज़ें हैं, आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, वैसे इसका कोई हासिल कभी आपने देखा है, कोई चीज़ हुई है कभी? असल चीज़ ये है कि लोगों के अंदर ये शऊर बेदार किया जाए कि वो इस तरह के मजालिम न करें। ये आपके इलम में है कि 1928 से पहले दुनिया फतुहात के उसूल पर कायम थी। आपके पास ताकत है, आप उठेंगे, आप दुनिया का कोई इलाका फतह कर लेंगे, आप वहाँ के बादशाह हैं और वहाँ के रहने वाले लोग वो अपने ज़माने के हुन सिथीन द्रावड़ हों, आर्या हों, वो आपके ग़ुलाम हैं, एक तरह से महकूम है। दुनिया में ये कायदा सदियों तक रहा है कि फतुहात की बुनियाद पर दुनिया का नज़म चलाया जाता था। उस ज़माने में जो कौमें मुल्क फतह कर लेती थीं, उनकी इनायत हो, करम हो, तो
तो अपनी राया के साथ अच्छा सलूक कर लें, वरना हमें मालूम है कि दुनिया में क्या क्या मजालिम होते रहे हैं। 28 के बाद दुनिया ने ये मुआहदा किया कि अब कौमी रियासतों के दौर में हम दाखिल हो रहे हैं, और इससे मकसूद ये है कि ख़ास इलाके में जो लोग भी रहते हैं उनकी नस्ल कोई और हो सकती है, उनका मज़हब कोई और हो सकता है, वो अब इन नेशन स्टेट्स या कौमी रियासतों में बराबर के शहरी होंगे। तो ये कोई बड़ा पुराना तसव्वुर नहीं है, ये 1928 में पहली बार एक बाकायदा मुआहदे की सूरत में नमूदार हुआ है, और उस वक्त मसीही यूरोप के हद तक थे इसके असरात, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये आम होना शुरू हुआ। हमारे यहाँ भी जो नए पढ़े लिखे लोग पैदा हुए, ख़ास तौर पर आज़ादी की तहरीकों के ज़माने में जो क़्यादत सामने आई, ख़ा वो मुस्लिम लीग की थी, ख़ा वो कांग्रेस की थी, या मुख्तलिफ मुल्कों में, तो वो मगरबी अफकार से मुतासर लोग थे, और उनका ख्याल था कि हम कौमी रियासतें बना रहे हैं। पाकिस्तान भी एक नेशनल स्टेट के तौर पर बनाया गया, और भारत भी इसी तरह से एक कौमी रियासत और नेशनल स्टेट के तौर पर बना। तो ये तसव्वुर चूँकि पैदा हो गया था और यूरोप के बहुत से ममालिक ने ये सूरत इख्तियार कर ली थी, उस वक्त की क़्यादत इसका ख्वाब देखती थी कि वो एशिया में भी और इस मशरिकी दुनिया में भी नेशनल स्टेट्स कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। हुए भी, ताहम जब अंदरून हम झुक कर देखते हैं तो लोगों ने इस तसव्वुर को कबूल नहीं किया। मसलन हमारे पाकिस्तान में लोग ये नहीं मानते कि पाकिस्तान एक कौमी रियासत है, वो कहते हैं कि ये मुसलमानों की रियासत है, और इसमें गैर मुस्लिम दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर ही रह सकते हैं। वो गैर मुस्लिमों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, वो हमने मार भगा के फारिग कर दी है, तो अब जो थोड़े से बाकी रह गए हैं उनके साथ कुछ कंप्रोमाइज़ सा हो गया कि चलिए आप भी रह लीजिए यहाँ पे। हिंदुस्तान में तनासुब भारत में बहुत ज़्यादा है, 20-22 करोड़ मुसलमान हैं, मसीहियों की भी बड़ी तादाद है, तो वहाँ पर भी जो हिंदुत्व का फ़लसफ़ा है वो नेशन स्टेट के तसव्वुर को नहीं मानता। उनका नुक्ता नज़र भी ये है कि ये तो हमारी माता है, ये पूरा इलाका इसी मज़हब का है, आपको यहाँ रहना है तो आप हिंदू बनकर रहिए, और वो उसकी तावील भी करते हैं कि हिंदू कोई मज़हब नहीं है, वो एक कल्चरल ट्रेडिशन है, उसके अंदर आप आके रहिए। तो ये है पस मंज़र इस सारी बात का। चुनाचे हमारे यहाँ भी जो पाकिस्तान को एक मज़हबी रियासत बनाने के दाई हैं वो क़्याम पाकिस्तान से बहुत पहले से मुनज़्ज़म हैं, और ये जो लोग हैं जिनको अब एक सियासी जमात की हैसियत से हिंदुस्तान में इक्तदार हासिल है, ये भी इससे बहुत पहले से मुनज़्ज़म हैं। यानी जिस वक्त कांग्रेस वगैरह तहरीकें चला रहे थे उस वक्त भी ये यही नुक्ता नज़र रखते थे। इन्हीं के एक साहिब थे, इन्हीं के मुतासरीन में से, जिन्होंने महात्मा गांधी को इस जुर्म में कत्ल कर दिया था कि वो पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की कुछ अमलाक दिलवाने की सही की है। तो ये दोनों तरफ की ज़हनियत है, मेरे नज़दीक इसका मुकाबला करना चाहिए, और वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, दानिश्वर हैं, वो इस मौजू पर आगे बढ़ें। हिंदुस्तान में भी एक बड़ी तादाद है और पाकिस्तान में भी जो चाहती है कि ये कौमी रियासतें बने, दौरे हाजिर की जदीद कौमी रियासतें, ये फतूहात की ज़हनियत से निकलें, और ये मान लिया जाए कि ये जो ममालिक हैं ये अपने जुग्राफिये में सब लोगों के लिए बराबर के मुल्क बन चुके हैं। इस तसव्वुर को आम करने की ज़रूरत है, ये दलील से आम होगा, दानिश से आम होगा, इसके लिए जद्दोजहद की जाएगी। इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, अभी हम 22 में जी रहे हैं, एक सदी भी नहीं हुई इस तसव्वुर को पैदा हुए हुए, तो ये एहतजाज और बाइकॉट से कुछ भी नहीं होगा। बाकी हम मुसलमानों को इसका शौक़ है, हम थोड़े थोड़े अरसे के बाद ये करते रहते हैं, हासिल इसका कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हम सब हमारे पास आज चंद मिनट हैं जिसमें मैं सवालात लूँगा, दरख्वास्त होगी गांधी साहब से कि ज़रा रैपिड फायर क्वेश्चन है, मुख्तसर जवाब दें, फिकी सवालात हैं लोगों के, और फिर इंशाल्लाह बरह रास्त ये आप सवाल कर सकेंगे। गाम साहब ये फरमाइएगा कि सवाल ये पूछा है इन्होंने कि म्यूज़िक सुनने के बारे में दीन इस्लाम क्या कहता है। आप जब बहुत अच्छी तरह सुन लें तो फिर पूछ लें, आप पहले पूछ के क्या करेंगे। मेरे भाई तमाम फ़नून लतीफ़ा
वो मौसीकी हो, शायरी हो, तस्वीर कशी हो, सब बिल्कुल जायज़। अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह ताला ने इनको जीनत कहा है और इनके बारे में फरमाया है कि इनमें से हर चीज़ मैंने पैदा ही ईमान वालों के लिए की। तो इसलिए ये बात तो ठीक नहीं है कि ये कोई नाजायज़ चीज़ है। अलबत्ता चूँकि इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत गलत हो जाता है, शायरी का भी हो जाता है, अदब का भी हो जाता है, मौसीकी का भी हो जाता है, तो ये बताया गया है कि इनका इस्तेमाल अगर गलत हो तो उससे बचें। यानी इस्तेमाल अगर वल्गैरिटी को फ़रोग देने के लिए है, इस्तेमाल अगर जिनसी तरगीबात पैदा करने के लिए है, इस्तेमाल अगर लोगों की अखलाकियात को बिगाड़ने के लिए है, तो वो शायरी का हो, वो तस्वीर का हो, वो मौसीकी का हो, सब काबिल मज़म्मत है। हमारा दीन पाकीज़गी का दीन है, प्योरीफिकेशन। पूरे दीन का मकसद ही ये है, अपने पूरे वजूद को, अपने इल्म को, अपने अमल को, अपने ज़ाहिर और बातिन को ज़्यादा से ज़्यादा पाकीज़ा बनाओ। तो जो चीज़ आपके बातिन को आलूदा करती है, वो दीन हमारा ये चाहता है कि हम छोड़ दें। तो इन तमाम फ़नून लतीफ़ा के बारे में यही राय है। आप शायरी को देखिए, शायरी के बारे में भी कुरान मजीद ने बड़ा सख्त तबसरा किया और ये बताया कि बदकिस्मती से ऐसे लोग शायरी कर रहे हैं, दरा हाले कि शायरी अपनी जगह पर बिल्कुल एक जायज़ चीज़, ऐसे लोग शायरी कर रहे हैं कि यत्तबिहुमुल गावून, इनके पीछे अगर देखो कि कौन लोग इनकी पैरवी करते हैं तो उनका ना कोई दीन ना ईमान। यकूलून माला तफलून, शेर कहेंगे तो मालूम होगा कि रुस्तम व सहराब है और वैसे छिपकली को देख के चीख निकल रही होगी। जो कहते हैं वो करने की हिम्मत नहीं होती। और ये बताया कि जिस वादी में चाहे घूमते फिरते हैं, कोई इनका मोहकम फ़िक्र नहीं होता। ये तनकीद है कुरान की शायरों के ऊपर, लेकिन शायरी एक जायज़ चीज़ है। हमारे यहाँ अल्ताफ़ हुसैन हाली बड़े शुरा में से हैं, आप देखिए उन्होंने शायरों पर क्या तबसरा किया है। वो कहते हैं कि गुनाहगार वहाँ, यानी क़यामत में गुनाहगार वहाँ छूट जाएँगे सारे, जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे। क्यों कहा है? उसकी वजह उसका कंटेंट है। यानी जिस तरह की जाफ़र जटली किस्म की शायरी उस वक्त हो रही थी, उस पर तबसरा है, वरना वो ख़ुद शायर है। खुद इकबाल ने इसी तरह शायरी पर बड़े सख्त तबसरे किए हैं। यहाँ तक कि असरारे खुदी में हाफिज़ पर जो तबसरा था, बगज़रज़ हाफिज़ सहबा गुसार से जो शेर शुरू होते थे, निकाल दिए बाद में, बड़ा एहतजाज हुआ था उसके ऊपर, सख्त तरीन तबसरा था उसके अंदर। तो ये कॉन्टेंट पर तबसरा है, वो रसूलुल्लाह ने भी किया और हर साहिब इल्म ये कहेगा कि फ़नून लतीफ़ा में चूँकि बड़ी कशिश है, आदमी इसकी तरफ लपकता है, ये बहुत सी चीज़ों का कैरियर बन जाते हैं, तो इसलिए गलत चीज़ों का कैरियर नहीं बनने देना चाहिए इनको। तो ये है, तो आपको कंटेंट देखना चाहिए, आप क्या सुनते हैं। बाकी मौसीकी बिल्कुल जायज़ है। आप चाहें तो इस मौजू पर जितनी रवायतें हैं, ये मौजू कुरान में तो है नहीं, हदीसों में है, उस पर मैंने काम कर दिया है, वो शाये हो चुका है, ज़रा देखिए उसमें। खुद रसूलुल्लाह ने एक मौके के ऊपर अपना वाक़या बयान किया है और बताया है कि कौन सी मौसीकी जायज़ और कौन सी नाजायज़। 23 एतराज़ात की सीरीज़ है, उसमें गानी साहब ने बहुत मुफस्सल इस पर गुफ्तगू की है, आप उसको सुन भी सकते हैं। आखिरी 3 सवाल मैं ले रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह माइक खुल जाएगा, लोग कतार लगा के मुख्तसर सवाल पूछ सकते हैं। लोगों का खुल जाएगा और मेरा बंद हो जाएगा। हम सब ये पूछते हैं कि अमेरिका में लोग बड़े पैमाने पर टैक्स देते हैं, क्या टैक्स देने के बाद ज़कात देना उन पर लाजिम है? अगर नहीं है तो क्या माजी में कोई ऐसा हमें इसकी रिवायत मिलती है साहबा ताबईन के दौर में कि उन्होंने स्टेट को टैक्स देने के बाद ज़कात उसमें से डिडक्ट कर ली हो, मिना कर ली हो? जी, आप पहले तो ज़कात को समझ लीजिए। ज़कात कोई चैरिटी नहीं है, ये बिल्कुल गलत तसव्वुर पैदा हो गया। ज़कात असल में रियासत का हक है, यानी अल्लाह ताला ने टैक्सेशन का इख्तियार हुकूमतों से ले लिया है और ये कहा है कि मैं मुकर्रर करूँगा ताकि ये लोगों पर ज़ुल्म का ज़रिया न बने। तो ज़कात यही है। रसूलुल्लाह के ज़माने में तो कोई सवाल ही नहीं था कि कोई और टैक्स लगाया जाए, ज़कात ही ली जाती थी और रियासत लेती थी। खुलफाए राशिदीन के ज़माने में, बाद में बनू उमैया के ज़माने में भी ऐसा ही रहा। तो जब रियासत आपसे ले लेती है, अब तो बिलजबर लेती हैं, मुसलमानों की रियासतें भी लेती हैं, अमेरिका भी लेता है, सब लेते हैं, ये अल्लाह के कानून को तो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप अपनी ज़कात उसमें से मिनहा कर सकते हैं।
यानी अपनी ज़कात का हिसाब करें, वो अल्लाह का हक है और रियासत का भी हक है, तो देखें कि वो क्या बनती है। तो आपकी ज़कात मसलन $10,000 बनी, अब आप देखें क्या आपने टैक्स में इतनी रकम या इससे ज़्यादा अदा कर दी है तो अदा हो गई। बाकी सहाबाए किराम को तो ये मसला पेश नहीं आ सकता था, अलबत्ता ताबईन के दौर में, तबा ताबईन के दौर में जब हुकूमतों ने कोई टैक्स लगाने शुरू किए तो उस वक्त यही तरीका इख्तियार किया गया कि फिर लोगों ने अपनी ज़कात उसमें से डिडक्ट कर दी। उसकी तफसीलात आप लोग पढ़ना चाहें तो आप हमारे इदारे से रजू कर सकते हैं, तो आप अपनी ज़कात मिनहा कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह उसके बाद लोग यहाँ कतार बना सकते हैं। पूछा है जी, मैं डॉक्टर हूँ, LGBT कम्युनिटी के साथ डील करता हूँ, क्या दीन इस्लाम मुझे उनके इलाज मुआलजे से रोकता है? ये मैं कभी आज तक समझ नहीं सका कि इलाज मुआलजे से रोकने की क्या वजह है। यानी आप बाकी सब जराइम की तहकीक करके इलाज मुआलजा करते हैं? मतलब पहले आदमी से कहते हैं कि तुमने कभी बदकारी तो नहीं की, रिश्वत तो नहीं ली, किसी का माल तो नहीं लूटा? तो डॉक्टर की अखलाकियात ये नहीं है। उसका काम है कि जो मरीज़ उसके पास आया है वो उसका मरीज़ है, और उसके मज़हब, उसके नुक्ता नज़र, उसका जुर्म, उसका गुनाह, ये डॉक्टर का मौजू नहीं है। उसका काम है कि वो इन सब चीज़ों से बाला तर होकर इंसानियत की खिदमत के जज्बे से उसका इलाज करे, पूरी दयानतदारी के साथ उसका इलाज करे। इसकी इजाज़त अगर दे दी जाए कि लोगों के जराइम की तहकीक करके मुतमिन होंगे तो फिर इलाज करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि फिर आप अपने घर ही वापस जाएंगे, फिर आपको कोई मरीज़ मिलेगा नहीं, सारे के सारे ही मुजरिम करार पा जाएंगे। हम सब आखिरी सवाल है आपसे जो लिख के हमारे पास आया है, ये पूछते हैं कि आप उर्दू में गुफ्तगू करते हैं, USA के अंदर रहने वाले हम अपने बच्चों को आपसे कैसे इंट्रोड्यूस कराएँ, वो उर्दू ज़ुबान नहीं जानते? अपने बच्चों को उर्दू ज़बान सिखाइए। ये मैंने अदराह तफन्नुन नहीं कहा, इसकी वजह सुन लीजिए। दुनिया का हर इल्म जब पैदा होता है तो ज़ुबान का पैरहन इख्तियार कर लेता है, हर इल्म, साइंस का भी यही मामला है। आप पाकिस्तान में चीख उठते हैं अगर कल पाबंदी लगा दी जाए अंग्रेज़ी पढ़ाने पर, क्यों, क्या वजह है? आप ये कहते हैं कि इससे हम साइंस के उलूम से महरूम हो जाएंगे। तो इस्लाम एक इल्म के तौर पर 3 ज़ुबानों में डेवलप हो चुका है, अरबी, फारसी और उर्दू। आप अगर अपने बच्चों को मुसलमान रखना चाहते हैं तो इस्लाम की ज़ुबानों में से एक ज़ुबान सिखाइए, उसी जज्बे से जैसे हमारे सिख भाई सिखाते हैं। अगर आप ये नहीं सिखाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी दूसरी ज़ुबान के, किसी मज़हब, किसी इल्म की ज़ुबान बनने में सदियाँ लगती हैं। यानी आप क्या अंग्रेज़ी ज़ुबान में अगले 100 साल में भी जो लोग उर्दू में या फारसी में या अरबी में बड़े लोग पैदा हो चुके हैं, कर लेंगे पैदा? तो जिस वक्त आपका बच्चा आपकी बात सुन रहा होता है तो आप पंजाबी, सराइकी, अंग्रेज़ी, उर्दू में जो मर्ज़ी कहें, जब वो शऊर की उम्र को पहुंच के बड़े सवालात करता है तो फिर बड़े लोग उसको मुतमिन कर सकते हैं। मैं आपसे सच कहता हूं कि स्कूल के ज़माने में मेरा चूंकि फ़लसफ़े और तसव्वुफ़ का पस मंज़र था तो नवीं जमात में मैं मुलहिद हो गया होता अगर अबुल कलाम और इकबाल और अबुल अला मौदूदी ने उस वक्त ना संभाला होता। मेरे वालदैन के बस की चीज़ नहीं। तो इसलिए अपने बच्चों को आप अगर वाकयातन अपना कल्चर, अपनी तहजीब, अपना मज़हब मुंतकिल करना चाहते हैं तो बेशक 2 सूरतें याद करा के और 2 दुआएं याद करा के नमाज पढ़नी सिखा दें, कुछ ना पढ़ाएं, कोई मज़हब ना बताएं, उनको अपनी ज़ुबान सिखा दें, इसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी कुछ और करने। बहुत ही अहम बात है। हम सब आगाज़ करते हैं जी, कोशिश कीजिएगा मुख्तसर सवाल पे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफादा करें, अगर वक्त बचेगा तो ये सवालात जो मेरे पास मौजूद हैं ये भी मैं कर लूँगा। फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। आप 15 मिनट तक सवाल ही करती चली जाए। नहीं जी, मैं आपको हर थर्सडे, हम लोग आपको सुनते हैं, आपका दर्स सुनते हैं हर थर्सडे 12-15 साल से सुन रही है, शुक्रिया उसका बहुत बहुत। सवाल मेरा ये है कि आपने थोड़ा सा मुझे आज कन्फ्यूज़ कर दिया ज़कात और टैक्स के बारे में,
टैक्स यहाँ क्लोज टू 25-27% है ऑन यू नो हाई इनकम ब्रैकेट्स जो डॉक्टर्स हैं, और जो ज़कात है वो 2.5% है. तो अगर हम टैक्स पे कर देते हैं तो आपने कहा कि ज़कात की फिर कोई ज़रूरत नहीं. आई एम सो कन्फ्यूज्ड, आई डोंट वांट टू गो बैक होम कन्फ्यूज्ड. जी, मैंने इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगुएं की हैं और बताया है ये कि ज़कात असल में क्या है. ज़कात रियासत का हक है. रियासत को कोई हक किसी रियासत को भी नहीं है. खुदा ने यह हक छीन लिया है हर रियासत से कि वह आप पर टैक्स आयद करे. अगर वो आपसे ले लेते हैं तो गोया उन्होंने बिलजबर आपसे ले लिया, आपकी ज़कात अदा हो गई. ऐसे ही है जैसे मैंने आपका कर्ज़ देना था, मैं देता नहीं था, किसी वक्त मेरे पैसे आपके पास आ गए, अदा हो गए. तो इसलिए ये बात जो है ये थोड़ी देर के बाद समझ में आ जाएगी. तो आपकी ज़कात अदा हो जाती है. लेकिन मैं एक गलत फहमी का इजाला कर दूँ, ज़कात 2.5% नहीं है महज. ज़कात माल में, बचत में 2.5% है, प्रोडक्शन में 5, 10 और 20% है, और ये आपकी डॉक्टरी में जो आपको तनख्वाह मिलती है उसमें ये 10% है. आपके ख्याल में कादियानियों को आप मुसलमान मानते हैं? मेरा नुक्ता नज़र बहुत अब तो वाज़े हो चुका. मैं हर उस आदमी को मुसलमान मानता हूँ जो अपने आप को मुसलमान कहता है. अल्लाह ताला ने ना मुझे ये हक दिया है कि मैं लोगों के कुफ्र और ईमान के फ़ैसले करूं, और ना ये हक दिया है कि मैं जन्नत और जहन्नम के फ़ैसले करूं. ये हक अल्लाह का है, वो क़यामत में फ़ैसला करेगा, मेरा काम नहीं. ज़कात के हवाले से एक क्वेश्चन है जो आपने कहा है, लाइक ये नहीं है कि जो 2.5% जो ज़कात है वो मुसलमानों को ही जाए, यहाँ पर हम जो देते हैं वो तो नॉन मुस्लिम्स होते हैं. जी, कोई ज़रूरी नहीं है. मुसलमानों की हुकूमत में ये ज़कात जब जमा की जाती थी तो हर एक की ज़रूरत पूरी की जाती थी. गैर मुस्लिम मुस्लिम का कोई फर्क नहीं. ये जो सोसाइटी है ये आपसे टैक्स लेने के बाद आप पर कुछ खर्च करती है या नहीं करती? जी, जो गरीब लोग हैं या जो नहीं, आप ये बताएं कि आपको सड़कें देते हैं, आपको ज़िंदगी की सहूलतें देते हैं, ये ज़कात चैरिटी नहीं है. इस तसव्वुर से निकलें. मैंने इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगुएं की हैं, उनको पढ़ लें और सुन भी लें. अस्सलाम वालेकुम. I am one of very big fan of your talks, so I always listen to you. My question is very brief. Is prenuptials are allowed in Islam? If it is, then please explain that in detail. Number two, there are like American Muslim new generation in this country, especially husband and wife are young and they fight all the time on I'm not going to take care of your mother. Wife will say that, I will not take care of your mother, I want a different house, I want to live separate and buy money, I'm not going to share with you. That's another story. Then if she gets divorced, then she automatically gets half of her husband's asset, who is a doctor or a surgeon. So this guy who works with me, he's one of the doctor who came from Pakistan. I'm an American graduate. So he did this prenuptial and he says ke meri wife jo hai wo chuu tak nahi karti aur hum log badi harmony se rehte. These were his prenuptial. That I respect my mother very much. I expect the same from you. If I have to decide between you and her, I will take my mother. So just bear that in mind. Number two, we will have the same account, joint account and all this. So just that's it. So if you can brief us on that, thank you, appreciate it. जी, वैसे उन डॉक्टर साहब का मुझे नंबर दीजिएगा जिनकी बेगम चू नहीं करती, जरा पूछूँ मैं उनसे राज. जी राम साहब, ये नुस्खा बाकियों को भी फराहम कर दें. अल्लाह ताला ने सब के लिए हुकूक मुतय्यन किए हैं. जब आप शादी करते हैं तो ये कोई कायदा नहीं है कि वो बेगम लाएं जो चू ना करे. वो भी एक इंसान है, उसकी अपनी एक राय है, अपना एक नुक्ता नज़र है, उसके अपने कोई आदर्श हो सकते हैं. अगर किसी ने कोई तालीम पाई है तो उसके लिहाज से उसको ज़िंदगी बसर करनी है. इन सब चीज़ों की रियायत करना और इनकी हिफाजत करना और इनका मौका देना, ये असल चीज़ है. यानी आपने एक घर बसाया है तो बाहमी एहतराम, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर घर चलाइए. यानी वो किसी के चूँ करने और ना करने पर नहीं चलना चाहिए. असलन ये है. जहाँ तक हमारे माँ बाप का ताल्लुक है, उनकी इज़्ज़त करना, उनका एहतराम करना, उनके साथ मोहब्बत करना, उनसे हुस्न सलूक करना,
ये सब हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि माँ बाप के लिए हम बीवी के हुकूक तलफ कर देंगे और बीवी के लिए माँ बाप के हुकूक तलफ कर देंगे। सबको उनकी सही जगह पर रखना ये हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारे मज़हब ने सिखाया। What is this? यानी शादी से पहले क्या कोई मुआहदा कर सकते हैं, हुदूद शरायत तय कर सकते हैं? शादी से पहले आप जो जी चाहें शरायत तय कर लें। हाँ, यही बयान कर रहे हैं हम सब। जी हाँ, आप हर तरह का मुआहदा कर सकते हैं, बल्कि लोगों को ये एजुकेट करना चाहिए कि जब वो शादी करते हैं तो आपस में मिलकर पहले हर चीज़ ज़िंदगी के बारे में तय कर लें। यानी हमारे यहाँ लोग ये नहीं करते, भाई आपने कोई मुलाजमत करनी है तो क्या होगा, वालदैन के साथ रहना है तो क्या होगा, अलग घर नहीं ले सकते तो क्या होगा। तो ये तमाम चीज़ें पहले तय करनी चाहिए, मुआहदा लिखना चाहिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सबसे ज़्यादा शादी की शर्तें पूरी करनी चाहिए। तो औरत को हक हासिल है कि वो अपने मुतालबात रख दे और उनको लिखें, उनको बाकायदा तय करें, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। गांधी साहब, मेरा सवाल ये है कि परसेप्शन ये है कि नॉर्मल मुस्लिम कि मुसलमानों में से चंद लोग ही जन्नत में जा सकेंगे, बाकी तो नहीं जाएंगे, और उसके साथ नॉन मुस्लिम तो जन्नत जाएंगे नहीं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या रोज़े महशर वाले दिन फिर वो शैतान उस दिन दोबारा वही स्टेटमेंट नहीं देगा जो उसने पहले दिन दी थी अल्लाह से कि मैं कहता था कि तेरे बंदे मेरे रास्ते पर चलेंगे ना कि वो चलेंगे? ये खुशफहमियाँ हैं, इनको दूर कर लें। कुरान मजीद ने ये बता दिया है कि ये जो यहाँ पर आपके फ़िरके गिरोह और मजहबी जमातें बनी हुई हैं, इनकी बुनियाद पर क़यामत में कोई फ़ैसला नहीं होगा। ना क़यामत के दिन मुसलमान मुसलमानों की सफ़ में खड़े कर दिए जाएंगे, ना यहूदी यहूदियों की सफ़ में, ना नसारा। चुनाचे देखें, एक एक को नाम लेके बताया है, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीन। सबसे पहले मुसलमानों को कहा है कि तुम्हारे इस वक्त जो तुम इकरार कर रहे हो या अपने आप को मुसलमान कहते हो, फ़ैसला इसकी बुनियाद पर नहीं होना। फ़ैसले का आगे एक मेरिट बताया है, ये बताया है कि ये मेयार है, इस पर मैं पूरी दुनिया को देखूँगा। वो क्या है? कौन खुदा पर सच्चा ईमान रखता था, कौन मेरे सामने हाज़िरी पर यकीन रखता था और उसकी तैयारी करके आया है, और किसने अच्छे अमल पर ज़िंदगी बसर की है। तो ये कुरान ने बयान कर दिया। तो वहाँ पर नई सफ़ें बनेंगी और नई सफ़ बंदियाँ भी होंगी, तो उनके लिए तैयार करना चाहिए। वो कहाँ कहाँ से अल्लाह ताला निकाल लेगा, उसमें दो चार नहीं, इंशाल्लाह बहुत निकलेंगे। और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ अपने आप को कुछ कह रहे होंगे और वहाँ किसी और सफ़ में खड़े होंगे, उससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम जावेद साहब, मेरा नाम बाबर है। मैं एक्चुअली आपको भी मैंने YouTube में फॉलो करना शुरू किया है और बड़ा इंप्रेस। अभी से तौबा कर लें लेकिन नहीं, अभी से वक्त नहीं है, लेकिन इन द एंटीसिपेशन ऑफ आवर फोरम हियर ना, मैंने एक्चुअली आपकी ये बुक भी खरीदी है एंड आई एम होपिंग कि भी यू नो आफ्टर दिस मे बी यू कैन साइन ऑन इट, आई विल रियली अप्रिशिएट। माय क्विक क्वेश्चन इज के भी एक कंट्रोवर्शियल वो है टॉपिक के भी, जो आखिरत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का जो है, जिस आपने वीडियो में देखा कि आपने कहा मिज़ान में भी समझ नहीं आ रहा, मैं कहा हज़रत आखिरत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नुज़ूल का जो आपने कहा है, एक तो ये कि आपने कहा है कि ये मिज़ान में इस चीज़ को कवर किया है जिस पॉइंट में, क्योंकि मैंने अभी बुक खरीदी है ये, तो ये पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन अगर आप ब्रीफली डिस्कस कर दें कि ये उनका क्या है आपका, कि वो होंगे आएंगे और या नहीं आएंगे, या क्या है वो आपका जो उसकी, अगर 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 फ़र्ज़ कीजिए आ गए तो क्या इरादे हैं आपके? मेरा तो सकता है उससे पहले तो आई एम श्योर कि आई एम नॉट गोइंग टू बी अराउंड फॉर हिम। मुसलमानों के बारे में ये तजुर्बा है कि वो इंतज़ार बड़े शौक से करते हैं, आने के बाद जो कुछ करते हैं आने वाले के साथ उससे अल्लाह ही पनाह दे। तो इसके जवाब में ये अर्ज़ है कि इस किताब में अलामाते क़यामत का बाब है, आप अगर निकालें तो उसमें मुख्तसर तौर पर मैंने अपनी राय बयान की है। उस पर पिछले 20-30 साल में बहुत हंगामा होता रहा, तो अब एक सीरीज़ है, अगर आप YouTube पे जाएं, एतराज़ात सीरीज़, मुझ पर 23 यानी जो मेरी फ़र्द करारदादे जुर्म है
जो पढ़कर सुनाई जा रही थी सारी दुनिया को, उसमें 23 एतराज़ात थे, उसमें ये भी था। तो इस पर मैंने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है, तो आप वो एतराज़ात सीरीज़ में जाएं, जितने एतराज़ात मुझ पर हो रहे हैं उनका मैंने तज्जिया करके बताया है, उनका पस मंज़र क्या है, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, इल्म क्या कहता है, हमारे यहाँ क्या गलत फहमी है, तो वो सुन लीजिए आप और वहाँ पढ़ लीजिए। स्वामी साहब, मेरा सवाल ये है कि हम लोग यहाँ रहते हैं और इंटरेस्ट के सिलसिले में, कि जैसे हम लोग मॉर्गेज देते हैं उस पर इंटरेस्ट है, बच्चों को पढ़ाना है, वो स्टूडेंट लोन पे इंटरेस्ट देना होता है, तो उस सिलसिले में कुछ आपकी रहनुमाई चाहिए होगी। जी, एतराज़ात सीरीज़ में सूद पर भी मैंने अपनी बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है, तो एक तो यह है कि यहाँ चूँकि बहुत मुख्तसर वक्त है, अब वक्त ख़त्म हो रहा है, आप उसको सुन लीजिए, आपके सारे सवालों का उसमें जवाब है। मुख्तसर जवाब यह है कि मॉर्गेज बिल्कुल जायज़ है, सूद देने में कोई माने ही नहीं है, आपको जो चीज़ चाहे सूद पर लें, किसी पर लें, वो देना है आपने, किसी का माल आप खा नहीं रहे, सूद खाना मना है। और सूद क्या है? सूद ये है कि हमारे दीन ने हमें ये अख्लाक सिखाया है कि आपके पास अगर अपने भाई की मदद के लिए कोई चीज़ है तो दे दें, अगर आप कर्ज़ दे रहे हैं तो उस पर नफ़ा ना लें। तो कर्ज़ पर नफ़ा लेना ये सूद है और बिल्कुल हराम है, बाकी देने का कोई सवाल ही नहीं है, वो तो एक बिल्कुल जायज़ काम है, जब चाहें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सवाल वेस्टर्न सोसाइटी में औलाद की तरबियत के बारे में। ये आपके आते ही माइक बिल्कुल ठीक हो गया। मैं मेरे खाना करीब खड़ी, मैं बड़ी मुश्किल से समझ रहा था वरना सवाल। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि एक तरबियत का ऐसा एस्पेक्ट बताएँ जिससे आप समझते हैं कि वेस्टर्न मीडिया में मुसलमान फैमिलीज जब अपने बच्चों को रेज करती हैं तो एक असेंशियल कॉम्पोनेंट आपके नज़दीक उनकी तरबियत का क्या है जो हम सबको करना चाहिए या हम नहीं करते सही वक्त पर? जी मैंने तो बता दिया अभी, शायद आप में मौजूद नहीं थी, अपने बच्चों को अपनी ज़ुबान सिखाइए। आपने नहीं सिखाई तो फिर बच्चों का खुदा हाफिज़, वो चाहेगा तो ईमान पर रखेगा, चाहेगा तो नहीं रखेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बहुत ब्रीफ सवाल है अबाउट ज़बीहा एंड हलाल, उसमें फ़र्क और। जी तो मुख्तसर जवाब ये है, अब क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है तो मैं तफसील नहीं कर सकता, मुख्तसर जवाब ये है कि हमारे दीन में पाकीज़गी असल चीज़ है, प्योरीफिकेशन, बदन की पाकीज़गी के अहकाम बताए गए हैं खाने पीने की चीज़ों में, उनमें तैयबात हलाल हैं, तमाम खबाइस हराम हैं। उसमें ये बताया गया है कि जब आप किसी जानवर को ज़िबा करते हैं तो अल्लाह का नाम लेकर करें ताकि आपकी दरिंदगी का इजाला हो, और उसका खून हर हाल में निकलना चाहिए ताकि उसकी दरिंदगी का इजाला हो। तो अगर कोई जानवर खून से पाक नहीं किया गया और ज़िबा करने वाले ने अल्लाह का नाम नहीं लिया तो वह हराम होगा, इसी को ज़बिया या हलाल कहा जाता है। इसका एक छोटा सा फॉलो अप, एक हदीस मैंने सुनी थी किसी टीचर से, तफसीर की टीचर से, तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि किसी सहाबा ने पूछा था कि अहले किताब का अगर मैं ज़िबा हुआ मीट खा लूँ तो, और उसने अल्लाह का नाम ना पढ़ा हो, तो उन्होंने जवाब दिया था आप उस पर अल्लाह का नाम पढ़ें और खा लें, एज लॉन्ग एज के वो सही तरह स्लॉटर हुआ। तमाम अहले किताब जो वहाँ थे, वहाँ मसीही तो थे नहीं, ज़्यादातर यहूद थे, सब अल्लाह के नाम पे ज़िबा करते हैं, यहाँ भी यहूद का ज़बीहा आप खा सकते हैं। मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पर उनके अहम लोगों से तहकीक की है, वो पूरे अहतमाम से खून भी निकालते हैं और ज़िबा भी करते हैं। हुजूर ने जिस सवाल का जवाब दिया वो बड़ा अहम सवाल है, वो ये है कि आपको शकूक में नहीं पड़ना चाहिए, जब किसी मुसलमान का ज़बीहा है या किसी अहले किताब का जिसके बारे में आपको पता है कि अहले किताब अल्लाह का नाम लेते हैं, तो उसमें शकूक में ना पड़ें। अगर आपके पास गोश्त आया है तो शकूक में पड़ना मुसलमान का काम नहीं, अल्लाह का नाम लें और खा लें, तो ये कहा गया, ये नहीं कि आपको पता है कि वो अल्लाह का नाम नहीं लेते और फिर भी खाएं। मेरे दो सवाल हैं, मेरा नाम तारिक है, मैं शिकागो से हूँ। पहला सवाल ये कि घर के अंदर कुत्ता रखना जायज़ है कि नहीं? अगर नाजायज़ है तो हाउ कम साबिक हाफ का कुत्ता जो था उनके साथ घर के अंदर मौजूद था, नंबर वन। नंबर टू ये कि घर के अंदर तस्वीर रखना जिसमें शबाहत हो, क्या वो जायज़ है? तस्वीर भी बिल्कुल जायज़ है, कुत्ता अगर सधाया हुआ है यानी वो गंदगी नहीं फैलाता, सधाया हुआ है तो बिल्कुल रख सकते हैं। जी आखिरी सवाल फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, इस पर भी तफसीली तौर पर आप पढ़ना चाहें तो मैंने उन तमाम हदीसों पर काम कर दिया है, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये तस्वीर पर भी और कुत्ते के रखने पर कि
कि जो जेवरात होते हैं घर में, थोड़ा जोर से बोलिएगा जी, आवाज़ जो जेवरात होते हैं घर में उन पर ज़कात हर साल देना ज़रूरी है या जायज़ है या क्या है? देखिए, ज़कात से तीन चीज़ें एग्जेम्प्ट हैं। ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें, इन पे ज़कात नहीं होती। यानी आपका फर्नीचर, आपका लिबास, आपकी गाड़ी, आपका अपना घर, इसी तरह ख्वातीन के पहनने के जेवरात, इन पर कोई ज़कात नहीं होती। तो ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ों पे ज़कात नहीं होती। अवामिल पैदावार पर ज़कात नहीं होती। आप डॉक्टर हैं, आपका क्लिनिक है, उस पर कोई ज़कात नहीं होगी। कोई फैक्ट्री है, उस पर कोई ज़कात नहीं होगी। ज़रूरी ज़मीन पर ज़कात नहीं होती, पैदावार प्रोडक्शन पर ज़कात होती है। तो अवामिल पैदावार पर ज़कात नहीं। जो गवर्नमेंट किसी जगह मुकरर कर देती है कि इतना एग्जेम्प्ट है, उस पर ज़कात नहीं होती। हमारे यहाँ उसको निसाब कहा जाता है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिन पे ज़कात नहीं होती, बाकी हर चीज़ पे ज़कात है।